बहुत पहले नंदनवनम नाम का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी मिलजुल के रहते थे। सभी पक्षी मिलजुल के रहने पर उन्हें देख के दूसरे जंगल में रहे पक्षियों को डर लगने लगा। उस जंगल में कोई भी पक्षी मुश्किल में रहने से बाकी सभी पक्षी आकर उसकी सहायता करते थे। लेकिन उस जंगल के पास रहे विरूपाक्षा नाम के जंगल में एक चील रहता था। वो चील उन पक्षियों के बीच रही एकता दूर करके उन पक्षियों को उसके मुट्ठी में रखना चाहा। उसके लिए चील बहुत प्लान्स करता है, पर कोई भी प्लान कामयाब नहीं होती। थोड़े दिनों बाद गर्मी की मौसम आती है, तब चील किसी भी हालत में उस गर्मी के मौसम में पक्षियों के बीच झगड़े पैदा करके उन्हें अलग करने को सोचता है। तब चील को एक आइडिया आता है। गर्मी का मौसम होने पर सभी पक्षियों को बहुत पसीना पसीना लग रहा था। तब चील के पास रही एसी को बिना किसी को पता चले चील आधी रात को नंदनवनम जंगल में एक जगह छोड़ के चला जाता है। अगले दिन सुबह एक कौवा उस एसी को देखकर बाकी पक्षियों को बुलाकर दिखाती है, पर वो नहीं जानती ये क्या है। तब एक चालाक कबूतर वहाँ आती है। वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी। बाकी पक्षियों को मेहनत से काम करने के सिवाय दूसरे जंगल के बारे में और वहाँ के पक्षियों के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते। तब कबूतर ऐसे कहने लगी, सभी पक्षी ध्यान से सुनो, इसे देखकर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसे एसी कहते हैं, ये हमें ठंडी हवा देगी। ऐसे उसके बारे में बताती है कबूतर, पर कोई भी पक्षी कबूतर के बातों पर यकीन नहीं करती और आपस में बातें करने लगे। तब कबूतर उस एसी को वहाँ रहे करंट में प्लग रख के स्विच ऑन करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत ठंडी हवा आने लगी। तब तुरंत सभी पक्षी उस ठंडी हवा के सामने आके खड़े हो जाते हैं, उससे एक दूसरे का मुकाबला करके झगड़ा करने लगे। ये सब देखकर कबूतर उन पक्षियों से, आप सब ऐसे झगड़ा मत करो, ये यही रहेगी। इसके चारों ओर एक अच्छा कमरा बना के उस कमरे में इसे रखते हैं। तब हर रोज एक एक परिवार आके इस कमरे में सो सकते हैं। कबूतर की बातों से बाकी पक्षी सहमत हो जाते हैं। हर दिन एक एक परिवार आके उस कमरे में सोने लगे। चील यह विषय जानकर उसका पूरा प्लान फेल हुआ सोचकर दुखी होने लगा। तब उसे और एक आइडिया आता है। वो तुरंत वहाँ जाता है। वहाँ एक तोता एक पेड़ के नीचे गर्मी से तड़पते देखकर उसके पास जाकर ऐसे कहने लगा, तोता कह रहे थे तुम्हारे गांव में ठंडी हवा देने वाली कोई मशीन आई है, तो तू क्यों ऐसे गर्मी में बैठी हो? ऐसे भोलेपन का नाटक करने लगा चील। तब तोता ऐसे जवाब देने लगी, हाँ चील, उस मशीन का नाम एसी है, वो मेरे घर के पास ही मिली। हम सब ने हर रोज एक एक परिवार उस कमरे में रहने के लिए निर्णय लिए। ऐसे पूरा विषय बताती है। तब चील हंसने लगा। तोता चील की हंसी देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया। तब चील एक धूर्त योजना रचाकर तोते से ऐसे कहने लगा, और कुछ नहीं तोता, वो एसी तेरे घर के पास मिलने से उस एसी के पास तू रहना है ना, पर ऐसे जंगल में रहे सभी पक्षी एसी के नीचे रहने से तुझे ऐसे ही पसीने में रहना पड़ेगा। उस एसी के ऊपर तेरा हक है, किसी और का नहीं। ऐसे चील उल्टी पुल्टी बातें कहता है। चील की बातें सुनके तोते का दिमाग घूम जाता है। हाँ चील, तू कहने के बाद ये सभी पक्षी मुझे किस प्रकार धोखा दे रहे हैं अभी मुझे पता चला। अभी मैं जाकर सबसे कह दूंगी। ऐसे गुस्से से जाती है तोता। चील मन में बहुत खुश होकर वहाँ से कौवे के पास जाता है। कौवा, तुम्हारे जंगल में रहे एसी को तुम ही पहले देखे ना? हाँ चील। उसे तुम ही देखे तो वो तुम्हारा होना चाहिए, पर इस जंगल में रहे सभी पक्षी एसी का मजा ले रहे हैं, लेकिन तुम तो ऐसे धूप में जल रहे हो। तब कौवा गुस्से से, हाँ हाँ, वो एसी मेरा है, इतने दिन मुझे ये विषय पता ही नहीं चला, मैं अब भी जाकर एसी ला लूंगी। ऐसे कह के कौवा चली जाती है। चील का प्लान वर्कआउट होने पर खुश होने लगा। उसके बाद चील कबूतर के पास जाता है। कबूतर, उस एसी के बारे में इन सब को तू ही बोली ना, पर वो सभी ऐसे क्यों कह रहे हैं कि इसमें तेरी महानता कुछ भी नहीं है?
और इसके बारे में वो पहले ही जानते हैं। ऊपर से तुम्हें उस एसी रूम में रहने के लिए भी एक दिन का मौका भी नहीं दे रहे। ऐसे चील उल्टी पुल्टी बातें कहने लगा। तब कबूतर को बहुत गुस्सा आता है। इन पक्षियों को कितना घमंड है, मेरे बारे में ऐसी गलत बातें कह रहे हैं। एसी को कैसे यूज करना है मैं ही सिखाई उन सबको, अभी जाकर मैं उन सबको ठिकाने लगाती हूँ। ऐसे कह के कबूतर भी एसी रूम के पास जाती है। इस तरह चील हर कोई पक्षी से झूठी मूठी बातें कह के पक्षियों के बीच एसी के लिए झगड़े रखता है। उसके बाद सभी पक्षी एसी रूम में आके वो एसी मेरा है और मेरा है कह के झगड़ा करने लगे। तब उनके पास चील आकर इस समस्या का परिष्कार मैं करूंगा कह के सारे पक्षियों को और एसी को उसकी मुट्ठियों में रखता है। बहुत पहले दक्षिण भारत देश में वाईपुरी नाम का घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक चील भी था। वो चील चाहता था कि उसकी बात सब सुने और उसी के लिए काम करें, पर सभी उसे बेखातर करते थे। एक दिन वो चील एक पहाड़ पर से जंगल की तरफ देखकर, किसी न किसी दिन इस जंगल में रहे सारे पक्षी मेरे स्वाधीन में रहना है, उसके लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, ऐसे सोचता है। तब चील की बातें उस पहाड़ पर रहे एक कौवा सुनकर पत्थर के पीछे छुप के ऐसे कहने लगा, ये जंगल पूरा तेरे स्वाधीन में रहने के लिए तुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा। तब चील थोड़ा डर के, कौन है ऐसे डर के कहता है। तब कौवा चील के सामने आकर, डरो मत, तुम मेरी बात सुनने से ये जंगल पूरा तेरे स्वाधीन होगा, ऐसे कौवा कहता है। तब चील खुश होकर, ओ, क्या तुम सच कह रहे हो, तो इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब कौवे ने, तुम मेरे साथ आओ, ऐसे कह के चील को एक गुफा में ले जाता है। उस गुफा में क्षुद्र पूजाएं करते देखकर चील डर के, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं चला जाऊंगा, ऐसे कह के जाते समय कौवा चील को रोक कर, क्या वो जंगल तुझे नहीं चाहिए, ऐसे जादुई बातें कह के चील को थोड़े दिनों तक माया मंत्र सिखाता है कौवा। चील माया मंत्र सीख कर जंगल को चला जाता है। जंगल को जाने के बाद चील सभी पक्षियों को बुलाकर ऐसे कहने लगा, सब सुनो, आज से आसमान में एक चमत्कार होने वाला है। भगवान खुद मुझे दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि अब से मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूं। आज से तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम सबका नुकसान कायम है। पर चील की बातें कोई नहीं मानते और ऊपर से उसे शपथ लगा के भेज देते हैं सारे पक्षी। उससे चील को और गुस्सा आके उसने जो माया मंत्र सीखे हैं उससे उस रात को आसमान में एक काला माया चांद का निर्माण करता है। आसमान में हो रही अजीब हादसे को सभी पक्षी देखकर डर के मारे चील की बातें सच मान लेते हैं। अगले दिन सुबह सभी पक्षी चील के पास जाकर ऐसे कहने लगे, हमें माफ करो चील, हम तुम्हारी बातों का ध्यान नहीं दिए। आसमान में ये काला चांद किसका संकेत है? तुम सब मेरी बात टाल दिए। अब आसमान में दूसरा चांद खिला है, वो बहुत भूखा है। तो उसकी भूख मिटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे चिड़िया पूछती है। तब चील आंखें बंद करके भगवान से बात करने का नाटक करता है। उसकी भूख मिटाने के लिए वो मुझे चुने। हर रोज तुम में से कोई एक आकर मेरा आहार बनो। थोड़े दिनों तक ऐसे करने से उसकी भूख मिटेगी और वो चला जाएगा। तब चील को आहार बनने की बात सुनकर सभी पक्षी गुस्से से चील को शपथ लगाकर मना करके चले जाते हैं। फिर से उस दिन रात को काला चांद खिलता है। इस बार चील उसके मंत्र शक्तियों से उस काले चांद से और एक चील को प्रत्यक्ष करके पक्षियों के ऊपर भेजता है। ये सब देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। वो माया चील उस दिन बहुत सारे पक्षियों का बलि लेता है। अगले दिन सुबह सारे पक्षी फिर से चील के पास जाकर पूरा विषय बताते हैं। तुम सबको मैं पहले ही बोला, अभी भी समय है, तुम में से हर रोज मेरा आहार बनो, ये सभी बंद हो जाएंगे।
ऐसे चील कहता है। तब सभी पक्षी आपस में बातें करके मान जाते हैं। उस दिन से हर रोज एक एक पक्षी जाकर चील को आहार हो जाते हैं। इस तरह थोड़े महीनों तक आसमान में काला चांद देखकर सारे पक्षी डर के चील का आहार बन जाते हैं। इस प्रकार चील उसके मंत्र शक्तियों से जंगल में रहे सारे पक्षी उसकी हर बात मानते हैं। अगर कोई पक्षी चील की बात नहीं सुनने से तब उसकी मंत्र शक्ति का उपयोग करके मार डालता है। ऐसे रहते समय उस जंगल को एक ऋषि तोता आता है। तोता उस जंगल को आते ही समझ लेता है कि उस जंगल में कोई दुष्ट शक्ति का साया है। तोता उस दिन पूरा जंगल में रह जाता है। अंधेरा होते ही आसमान में चांद के साथ साथ एक काला माया चांद भी खिलता है। उसे देखकर तोता आश्चर्य हो जाता है। अगले दिन सुबह कबूतर को सारे पक्षी रोते हुए भेजते समय तोता क्या हुआ करके पूछता है। तब सारे पक्षी पूरा विषय बताते हैं। तोता उसकी दिव्य दृष्टि से चील की माया शक्ति देखता है। तुरंत यह विषय सारे पक्षियों से कहता है, तुम डरो मत, ये कबूतर के बदले में चील के पास मैं जाऊंगा। ऐसे कह के तोता जाता है। चील तोते के महत्व को नहीं जानता और तोते को खाने आता है। तब तोता उसकी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके चील को पिंजरे में बंद करके उसका मुंह बंद कर देता है। उससे आसमान में खिला काला माया चांद गायब हो जाता है।